हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट द न्यू वायरस, जो कि अभी 2-3 घंटे पहले हमें न्यूज़ मिला है न्यू कोव के बारे में। बहुत सारे लोग इससे डर चुके हैं और ये जाहिर सी बात है, हम पहले से ही कोविड के 2-3 वेरियंट से लड़ रहे हैं। पहला जो नॉर्मल वेरियंट आया था, उसके बाद हमने देखा डेल्टा वेरियंट एंड थर्ड फॉर्म जो हमने देखा था ओमिक्रोन वेरियंट, और उसके भी 2-3 फॉर्म्स आ रहे थे। और उसी बीच में एक न्यूज़ आया है 2-3 घंटे पहले, जो कि मैंने पढ़ा था और आपने अभी तक न्यूज़ बहुत जगह देख लिया होगा। लेकिन मुश्किल यहाँ पे क्या हो रही है कि बहुत सारे लोग डर इसलिए रहे हैं क्योंकि वो गलत न्यूज़ देख रहे हैं। जब शुरू में कोविड आया था तो बहुत सारे लोग YouTube पे हो जाए या कहीं भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो इसीलिए वीडियो बना रहे थे कि लोग उस चीज़ को देखें और वहाँ से उनका डर ज़्यादा बनता है। तो उस चीज़ के बारे में आपको क्लैरिटी यहाँ पे देना चाहूँगा, जो कुछ भी मुझे पता चला जितना मैंने पढ़ा इसके बारे में। अभी जो ये न्यूज़ आई थी, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ, ये जो वायरस है न्यूकोव वायरस, पहली चीज़ तो ये है कि ये ह्यूमन ट्रांसमिसिबल अभी है नहीं, यानी कि ये ह्यूमंस में अभी तक आया नहीं है। लेकिन क्यों इससे डरने की बात है और क्यों हमें नहीं डरना चाहिए, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक न्यूज़ आई थी रिगार्डिंग दिस वायरस न्यूकोव। तो वहाँ पे न्यूज़ क्या आया था, सबसे पहली चीज़ एक रशियन रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश किया गया था, जहाँ पे एक चाइनीज डिस्कवरी बताया गया था उन्होंने न्यू वायरस के बारे में, जो कि साउथ अफ्रीका में पाया गया है। साउथ अफ्रीका में जो बैट पॉपुलेशन यानी जो चमगादड़ होते हैं, उस पॉपुलेशन में ये वायरस को पाया गया है, जिसका नाम है न्यूकोविड, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में न्यूकोव भी कहते हैं। ये जो न्यूकोव है, पहली चीज़ आपको मैं बता दूं कि इस वक्त पे आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जो सेकेंड चीज़ है, हमें डरना इसलिए चाहिए क्योंकि हो सकता है ये वायरस आने वाले टाइम्स में ह्यूमंस में भी ट्रांसमिट हो जाए। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। पहली चीज़ कि इस वक्त आपको ज़्यादा यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या होता है, न्यूज़ देखकर पैनिक कर जाते हैं, लेकिन इसमें अभी कोई डरने वाली बात नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो फर्स्ट थिंग यहाँ पे आया है कि 1 in 3 die, ये चीज़ क्या है? तो यहाँ पे ये माना जा रहा है कि जो भी उन्होंने देखा है, नॉर्मली जो उन्होंने रिसर्चर्स ने लिखा है यहाँ पे, वो रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि इस वायरस का जो मोर्टैलिटी रेट है, मोर्टैलिटी रेट जिसमें हम कहते हैं कि जो ह्यूमंस के डेथ होने की जो संख्या है उसका रेट परसेंटेज क्या है, तो वो मोर्टैलिटी रेट बहुत ही ज़्यादा माना जा रहा है, 33% माना जा रहा है। इसका मतलब कि अगर 3 इंसान को हुआ तो उसमें से 1 इंसान की डेथ हो जा रही है, यानी कि इस वायरस में जो डेथ रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए थोड़ा सा थ्रेटनिंग हो सकता है ह्यूमन बींग्स के बारे में। लेकिन दो चीज़ आपको मैं बताऊँगा, ये जो रिपोर्ट आई है, क्या इससे हमें वरीड हो जाना चाहिए? तो इसका आंसर एक तो यस भी है और एक तो नो भी है। नो इसीलिए है क्योंकि अभी तक ये ह्यूमन में आया नहीं है, ठीक है? तो पहली चीज़ तो होगी, ह्यूमन ट्रांसमिसिबल है नहीं अभी, तो इसके बारे में वरी करने की जरूरत नहीं। अभी फिलहाल हम अलग अलग वेरिएंट से फिलहाल लड़ते हुए हम यहाँ तक आए हैं अपनी ज़िंदगी को बचाकर, और आगे भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगा हमारे लिए, जो वेरी बेसिक नीड्स हमें चाहिए यहाँ पे, वो दो चीज़ है। पहली चीज़ वायरस, हमें मास्क तो ज़रूर पहनना है यहाँ पे और सैनिटाइजर्स का यूज़ करना है, और सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि अभी फेस्टिवल का सीज़न दोबारा से आने वाला है, होली सीज़न है, बहुत सारे अभी फेस्टिवल्स आएंगे। तो वहाँ पे जैसे हमने गलती की है पास्ट में भी, जब कोरोना वायरस कम होता है तो हम आगे निकल जाते हैं, डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं करते हैं, तो वो चीज़ हमें ध्यान में रखना है। आप सेकंड चीज़ पे आते हैं कि क्यों ये थ्रेटनिंग है। थ्रेटनिंग होने का कारण, सबसे पहला यहाँ पे आप देख सकते हो, द वायरस कुड कैरी विद इटसेल्फ अ कंबाइंड हाई मोर्टैलिटी। जैसा मैंने आपको बताया कि मोर्टैलिटी रेट बहुत हाई है, और ACE2 रिसेप्टर, जो कि एक डिफरेंट रिसेप्टर है, जो कि आप अभी तक कोविड में आप देखते हो उनका रिसेप्टर कुछ और है, लेकिन इस वायरस का रिसेप्टर एक अलग है। तो जब हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो उसके लिए हमारा बॉडी तैयार नहीं है। जैसा हम कहते हैं, अभी जब वायरस आई थी कोविड वायरस शुरू में, तो जैसे अभी लोगों ने कहा रिसर्चर्स के अनुसार कि अगर किसी भी बंदे को यहाँ पे ओमिक्रोन वायरस हो जाता है अफेक्टेड, तो उसके अंदर एंटीबॉडीज बन जाती है, तो वो एक सही चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे एंटीबॉडीज नहीं है, इसीलिए ज़्यादा आपके लिए हो सकता है खतरनाक, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली यहाँ पे लिख दिया है। तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर है यहाँ पे, पहली चीज़ पैनिक बटन नहीं दबाना है, दूसरी चीज़ हमें थोड़ा और अलर्ट रहना है ताकि अगर आगे हो जाए ये चीज़ ट्रांसमिट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट यही कहा जा रहा है कि हर जो वायरस होता है वो धीरे धीरे म्यूटेट करता है। जैसे हम जानते हैं, जब कोविड वायरस शुरू में आया था तो उसके बाद ये डेल्टा वायरस बना, और उसके बाद ये जाके ओमिक्रोन का रूप ले लिया। उसी तरह से माना जा रहा है कि ये जो वायरस है, ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है, बहुत पुराना वायरस जो कि बैट्स में पाया जाता था। अब चाइनीज़ रिपोर्टर्स का मुझे नहीं पता कि वो इस टाइम पे ही ये चीज़ क्यों पब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, ये स्ट्रैटेजिकल भी होता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि फिलहाल हमें इससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। हाँ, एक चीज़ बताया है साइंटिस्ट ने कि जो 3:1 का रेशियो है मोर्टैलिटी रेट वाला,
वो चीज़ पर हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। एंड सेकेंड चीज़ जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कहा है कि ये जो वायरस है, अगर ये म्यूटेशन, जैसे हम जानते हैं कि वायरस म्यूटेट करता है, तो अगर ये एक बार भी म्यूटेट कर गया तो ये चीज़ जो म्यूटेशन होने के बाद ये ह्यूमन को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन इसके अभी भी कोई रिपोर्ट्स नहीं है, ये सिर्फ एक हम कह सकते हैं कयास लगाया जा रहा है, परसेप्शन है। तो अभी जब न्यू वायरस है तो बहुत सारे लोग का अलग अलग न्यूज़ आएगा, तो आपको करना क्या, अगर आप स्टूडेंट हो या जो भी काम करते हो या जहीं पे भी हो, आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड चीज़ जो इम्पोर्टेंट मैंने बताया कि आपको हमेशा अपने आप को डिस्टेंसिंग तो ज़रूर आपको करना है यहाँ पे, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस इटसेल्फ बहुत ही ज़्यादा ट्रांसमिसेबल है। तो